देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप सभी लोग हवन कुंड में आहुति प्रदान कीजिए। मामा जी, क्या लगा था आपको कि आप बच के निकल जाओगे? लेकिन आप शायद भूल गए कि आपके अफलातून ईशानी की नजर आपके हर प्लान पे है। ज्यादा सीआर बनने की कोशिश कर रही है ना? तेरे को कितनी बार ही कहा था कि हमारे रास्ते में मत आ, लेकिन इस बार ना मैंने तेरे को छोड़ना नहीं है। मामा जी, अब हार क्यों नहीं मान देते? क्योंकि अब आपका खेल तो खत्म हो चुका है। अच्छा होगा कि आप अपनी सारी गलतियां मान लो और सबको सच बता दो। सच बता दूं? ओए भुप्पी भाटिया नाम है मेरा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता। अपनी बाजी को ना आखिरी दम तक खेलता हूं मैं। बाजी तो पलट चुकी है मामा जी, और आप भी हार चुके हो। ये तो मैं आपको आखिरी मौका दे रही थी अपनी गलती सुधारने का। आपने तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अगर आप अपनी गलती नहीं मानोगे तो सुमित सच बोलेगा और आपकी असलियत सबके सामने लाएगा। तेरे को पता भी है सुमित कहाँ है, किस हालात में है, जिंदा भी है कि मर गया? ये घटिया धमकी ना तो किसी और को दियो। 8101245 मुंबई पहुंचते आपने उसे ये नंबर दिया था ना? जब सुमित यहाँ पहुंचेगा तब आप क्या करोगे? बस थोड़ी देर में सुमित यहाँ पहुंच जाएगा, तब आप क्या करोगे? मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे ना तू, और मैंने ना तेरी जान ले लेनी है। बच के कैसे जाएगी आज मेरे हाथों से तू? छोड़िए, हाथ छोड़िए। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं तेरे को? किडनैप करवाया था ना सुमित के हाथों, उस दिन भी तेरे को शिव ने बचा लिया, लेकिन आज नहीं। मरने से पहले पूरी सच्चाई तो सुन ले एक बार। तेरे मामे का होटल भी ना मैं नहीं तोड़वाया था सुमित के हाथों, और तेरा वो एमएमएस, वो वीडियो भी ना मैंने लीक करवाया था तेरी बदनामी करवाने के लिए। लेकिन इस बार ना तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। 11 करोड़ का मेरा पेमेंट खुआ के ना तूने अपनी जान को स्यापा पा लिया। अब तेरे मरने के बाद शिव की जान कौन बचाएगा? शिवपुत्र, उसको तो दिल से पुत्र है यार अपना, वो तो सब कुछ गलत समझ रहा है यार, मैंने कुछ नहीं करा। हमने सब सुन लिया है पुपी। तू इतना नीचे गिर सकता है ना? तूने मेरे अनिकेत को मारा, मेरे अनिकेत को मारा तूने। हमने आपको प्यार, इज्जत, घर, सब कुछ दिया, पर आपने हमें क्या दिया? सिर्फ धोखा। शिवपुत्र, मैंने कुछ नहीं। प्लीज रुक जा, मत करो प्लीज।
बहने कम से कम आप तो मेरी बात सुनो ना एक बार। भूल कर भी अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना, मर गया तू मेरे लिए। बहने भरोसा करो मेरा, मैंने मैंने सब कुछ ना किसी जो मुझे बहना कहा, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। मैंने एक बार मेरी बात सुन लो, मैंने ये सब कुछ ना एक मजबूरी में किया है, वो सुमित के कहने से। उसने मेरे को ना धमकी दी थी, उसने मेरे को कहा था कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगा ना तो वो सबको जान से मार देगा, मेरे को और सबको मार देगा। ओ सच्ची मेरी बात का यकीन कर यार सिर्फ, और तू तो समझेगा ना मेरी बात को। गलती मेरी है कि मैं जिंदगी भर वो नहीं देख पाया जो शानी ने एक दिन में देख लिया। अच्छा पुत्र, तो मेरा दिल शेर पुत्र है ना, और मेरी बात पे यकीन कर यार तू तो एक बार। मामा जी कम से कम अब तो सच बोल दो। बस करिए डैडी जी, और कितनी बातें घुमाना चाहते हैं आप। हाँ हमने वैसे भी सब कुछ सुन लिया है, मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना डैडी कहते हुए। मुझे लग रहा था कि सारी गलती ईशानी की है, लेकिन सबसे बड़े गुनाहगार तो आप निकले। इनके पापों की लिस्ट बहुत लंबी है यश पुत्र, मेरे साथ मिलके ये तो शिव को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, शिव के प्रॉपर्टी को हड़पने वाले थे तेरे मामा, और सालों से शिव के नाम पे ड्रग डीलिंग कर रहे हैं तेरे मामा। शिव पुत्र तूने कल पेपर साइन किए थे ना, तेरे मामा ने उन्हीं पेपरों में अपना पेपर भी घुसा दिया था, और तेरे सिग्नेचर से वो 11 करोड़ अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले थे। वो बड़ा ही खतरनाक खिलाड़ी है तेरा मामा। ईशानी को थैंक यू बोल, ईशानी और पूजा नहीं होते ना तो तेरे मामा का प्लान तो फेल होना ही नहीं था। ईशानी और पूजा के वजह से ही इनका ये पूरा प्लान फेल हुआ। मामा जी मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मेरे होते हुए आप इस फैमिली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब आपके सच से ऊपर वाला सच ये है कि अब आपका खेल खत्म, आ रही है पुलिस आपको लेने। झूठ बोल रही है ये कुड़ी, और सबूत क्या है तेरे पास इन सब बातों का? ये है सबूत। बता सबको पूरा सच क्या है, जल्दी बता। ले, 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 मैंने कुछ ना किया, ये तो मारा ना बुप्पी भाई साहब का किया था। इसने अनिकेत को देख के शिव और अनिकेत को अदला बदली करने का प्लान बनाया था। यो बुप्पी ने उसकी ट्रेनिंग भी करवाई थी और मैं भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था, सब कुछ इस बुप्पी के हिसाब से चल रहा था। शिव के बर्थडे वाले दिन शिव और अनिकेत को अदला बदली करने का प्लान बनाया था ताकि शिव के सारे बिजनेस में उस अनिकेत का हाथ हो जावे, लेकिन उसने पहले ही ईशानी ने उस अनिकेत को ढूंढ निकाला, और जैसे ही ये बात मामे ने पता लगी कि ईशानी अनिकेत को लेकर शिव धूपर के पास जा रही है, जो उसने मन ने सुपारी दी थी ईशानी और अनिकेत को मारने की। मैं क्या करता, मैं तो सरकारी आदमी था, मैंने तो जो मामे ने कहा मैंने वही कर दिया, और इस सारे कांड में अनिकेत मारा गया और ईशानी बच गई। ये सारे कांड का राजा इसी ने करवाया, ये सारे मामे ने सब कुछ करवाया। अरे तू पर भाई, मैं इस मामे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ, तू बनने छोड़ दे बस। अरे बस मारते से गलती होगी भाई, मैंने कुछ ना करा भाई। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। ओ नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं किया मेरे जानू जी ने, नहीं नहीं ले जा सकते, और छोड़ दो। अरे मामी जी आप अपने जानी जी को कल्ले कल्ले चक्की पीसने लगे जेल में, और ना जी ना। मैम लेके जाइए इन्हें, कोई देख लेना तुम सबको, और छोड़ो शानी, I'm really sorry. उससे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तुम हमेशा मुझे बचाती रही और मैं हमेशा तुमसे नफरत करता रहा। तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरी फैमिली के लिए, और मैंने कभी तुम्हें अपनी फैमिली समझा ही नहीं। मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए थी, लेकिन मैं हमेशा दूसरों की सुनता रहा।
शिवपुत्र, तू जानता है ना तू कितना लकी है। ईशानी संस्कारी है, गुणी है, बर्दाश्त करने की ताकत है इस लड़की में। वो दुनिया मैंने भी देखी है पुत्र, शादी में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना तो लड़कियां घर छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन ईशानी यहीं खड़ी रही तेरे लिए, इस परिवार के लिए, पीछे नहीं हटी पुत्र। शिव प्लीज उठो, गलती तो मुझसे भी हुई है। आई एम सॉरी शिव, तब मैंने तुम्हें सच नहीं बताया जब मुझे तुम्हें सारा सच बता देना चाहिए था। लेकिन मामा जी ने मुझे मजबूर कर दिया था आप सबसे झूठ बोलने पे। मैं नहीं चाहती थी कि शिव पे कोई आ जाए। मैंने आप सबको दुख दिया है और खासकर मम्मी जी आपको, मुझे माफ कर देना। नहीं 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 बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। नफरत में मैं अंधी हो गई थी, मेरे सामने घर की लक्ष्मी खड़ी थी और मैं पहचान ही नहीं पाई। तूने हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया और हमने बदले में क्या दिया? सिर्फ नफरत, और तूने वो भी खुशी खुशी सह लिया। भाई को बचाने के चक्कर में तुम्हें नफरत मिलती रही, कोई और होता तो साथ छोड़ देता, लेकिन तुमने कभी भाई का साथ नहीं छोड़ा। नहीं यश, मैंने इतना कोई महान काम नहीं किया। अगर कोई और मेरी जगह होता ना तो यही करता। तुमने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता। कौन अपनी जान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने प्यार के लिए सैक्रिफाइस करता है? मेरी इशू है ये ऐसी, कभी किसी को परेशान नहीं देख सकती, चुपचाप सब कुछ सहन करती है। मुझे तो पता था कोई बड़ा कारण जरूर होगा, क्योंकि इसने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है। मुझे तो डर था कि ईशु को कहीं कुछ हो ना जाए। पूजा एकदम सही कह रही है, मुझे तुम्हारी बात पर बिलीव कर लेना चाहिए था। कम से कम एक भाभी को एक देवर का सपोर्ट तो मिल जाता। प्लीज अब आप सब अपने आप को दोष देना बंद करो, किसी की कोई गलती नहीं है। मामा जी ने मेरे खिलाफ जो झूठ फैलाया था उसके बाद कोई मेरी बात का यकीन करता ही नहीं। गलती तो हम सबसे हुई है शानी। भाभी, हम सब ने आपको बहुत हर्ट किया है ना, स्पेशली शिव ब्रो ने। उनकी नफरत से आप बहुत हर्ट हो ना। शिव, नफरत वही होती है जहां प्यार होता है। मैंने तो हमेशा तुम्हारी नफरत में भी प्यार देखा है। शिव, भूल जा पुरानी बात है यार। एक बात बोलू तुझे, तू बहुत लकी है यार। ये जो लड़की तेरे सामने खड़ी है ना, ये तुझसे बहुत प्यार करती है। ये सच में आपको ऐसी लड़की मिली है जो बिना बोले आपके दिल की बात समझ लेती है। अब तो भाभी का हाथ थाम लो। इस सफर में जो तेरा साथ मिल गया है, जीने का मकसद मुझे मिल गया है तुझसे ही। ये भाई ना परफेक्ट जोड़ी। सुकून अब दुनिया से लेना देना कहाँ है, ये इश्क नहीं है तो फिर और क्या है, अब इसे हम मुकम्मल। मैं जगदीश जी और सुलोचना जी को बुला लेती हूँ, शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना। मैं अपनी प्यारी बहू को पूरी इज्जत के साथ और सम्मान के साथ इस घर में लाना चाहती हूँ। वही मुझे बताएगा हो क्या रहे, मुझे बस बोला कपड़े चेंज करके यहाँ बैठ जाओ। What's going on? अरे हाँ तो बैठो ना, रुको एक मिनट। नमस्कार, चलो चलो आओ। बैठ जा। डिंपल, आरती का थाली करा। हाँ
आज से तू इस घर के धूपर खानदान की बड़ी बहू है। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं सब समझ रही हूं, तू क्या चाहता है? डिंपल, मुझे माफ कर दे, मैंने नफरत में आकर तुझे भी बहुत बुरा भला कहा है। मैं देख ही नहीं पाई कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, पर अब समझ गई हो, यश के लिए तुझसे बेहतर लड़की मिल ही नहीं सकती थी। चलो चलो उठो, बड़ों का आशीर्वाद लो। अरे नहीं नहीं, ये तेरे लिए। ले, ये मेरी माँ ने मेरी शादी पे मुझे दिए थे और उसकी माँ ने उसे। अब ये तेरी जिम्मेदारी है। मामी, लेकिन ये तो ताई, क्या वो ही मेरी बेटी है? तू भी तो मेरी बेटी है, बल्कि तू तो मेरी सबसे समझदार और अच्छी बेटी है। जानती हूँ, जाने अनजाने में मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, पर जब मेरी खुद की बेटी ने उसकी बहन के साथ, तो मुझे समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। अगर हो सके तो मुझे माफ करना, प्लीज मामी। ऐसा मत बोलिए। मामी ने आई बोल, अगर तू मुझे आई कहेगी ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि तूने मुझे माफ किया है। आई पूजा ताई, आई नो मैंने बहुत गलत किया है। I'm really sorry. तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, बहुत बड़ी बात है। ओ बल्ले बल्ले जी, इतने खुशी के माहौल में सब सैड क्यों है? आज एक नहीं, दो नहीं, तीन दिन शादियां हैं। अरे आप भाई बहुत सारी तैयारियां कर रही हैं, और सारा काम ना शशि को करना पड़ेगा। क्यों शशि? चलो यार, कोई म्यूजिक म्यूजिक हो जाए यार। टीना म्यूजिक हो जाओ। घड़ियां छुपा दो, सारी कुंडियां लगा दो, सारी फुल के भी अज भी रेखना नहीं टैम। हो घड़ियां छुपा दो, सारी कुंडियां लगा दो, सारी फुल के भी अज भी रेखना नहीं टैम। वेखना नहीं टैम, वेखना नहीं टैम, फुल के भी वेखना नहीं टैम। ओ भंगड़ा तां सजदा पंगड़ा तां सजदा when we fly like a kite, पंगड़ा तां सजदा when we fly like a kite, पंगड़ा। शिव, शिव, शिव कहाँ है? मिस फ्राइड राइस, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे, और अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। तुम शायद भूल गए हो मिस्टर लैंपोस्ट, हमारी शादी तो हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते।
तुमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर देखना बाकी है। Is that right? जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, क्या कर रहे हो तुम, अभी तक शादी कहाँ हुई है। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। मिसेस फ्राइड राइस, शादी तो हो गई है, ट्रेलर भी देख लिया, तुम पिक्चर देखो। रक्त उधारी लेके इश्क उधारी लेके जान हमारी लेके पाप पंगड़ा। मोमेंट पे एक सेल्फी तो बनता है ना। लग जा गले